चैनल मार्क पावर टूल्स। आज हम जानने वाले हैं ये नॉट वर्किंग मशीन 600 की वॉच थी, ये अभी ऑन नहीं है। इसमें क्या प्रॉब्लम है फाइंड करेंगे, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ये आपको मैं बताता हूँ। आपको इसमें एक सीरीज लैंप की ज़रूरत पड़ेगी। सीरीज लैंप में आप चेक कर सकते हो। पहले तो आपको बता देता हूँ कि ये नॉट वर्किंग है, ये मशीन ऑन नहीं हो रही है। तो इसको हम कैसे रिपेयर करेंगे और इसके अंदर प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, मैं इस आपको ये वीडियो में बताऊंगा। हाँ नॉट वर्किंग, तो हमको पहले पीछे का जो स्क्रू होता है उसको खोलना होता है। वीडियो एंड तक देखिए, अगर मिस करेंगे तो ज़रूरी जानकारी भी छूट सकती है। इस कैप को काटने के बाद में यहाँ पे कार्बन होल्डर्स हैं इसके, और ये स्विच है इसका, और ये आर्मेचर का जो कम्यूटेटर है ये वाला कम्यूटेटर, ये स्विच है। इसको चेक करने के लिए सीरीज लैंप की जरूरत पड़ेगी आपको। बहुत बेस्ट रहेगा। और फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको ये कार्बन होल्डर और ये वाला कार्बन होल्डर, ये दोनों को भी टेस्ट करना होता है। अगर इसमें सीरीज लाइट जग गया तो कार्बन ब्रश इसके ओके है, इसमें कार्बन ब्रश का कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आपको ये दो वायर जो फील्ड कॉइल के अंदर से जो वायर आए हैं उसको, ये दो, एक वायर यहाँ पे है, एक वायर यहाँ कार्बन होल्डर पे है, एक वायर यहाँ पे है और एक वायर यहाँ पे। फील्ड कॉइल के अंदर से चार वायर आते हैं, इसमें दो वायर तो फिर कार्बन होल्डर को जाएंगे और दो होल्डर यहाँ पे आते हैं। ये दो होल्डर जो दिख रहे हैं ये सभी 600 की बॉश मॉडल के मॉडल्स में, इसको ये होल्डर्स में लगाएंगे तो इसमें कनेक्टिविटी नहीं आ रही, मतलब ये फील्ड कॉइल में प्रॉब्लम है। तो भी हम नेक्स्ट को इसके क्लिप्स को बाहर निकालेंगे कि कौन से क्लिप्स में प्रॉब्लम है ये जानेंगे। ये हो गया फर्स्ट वायर फील्ड कॉइल का, ये पहला वायर है। और ये दूसरा वायर तो इसके अंदर फील्ड कॉइल के अंदर प्रॉब्लम है इसका, चारों वायर निकाल के कार्बन भी इसके निकालना जरूरी है। फील्ड कॉइल निकालने के लिए कार्बन का निकालना बहुत जरूरी है। कार्बन निकाल दिए, उसके बाद हम इनको सामने खोलना है। ये भी निकल जाता है आसानी से, बेरिंग्स को भी चेक कर लेते हैं। बेरिंग बेरिंग का रबर भी आता है और इसमें एक रबर होता है, और ये यहाँ पे देख सकते हैं कुछ होता है, यहाँ पे शॉर्ट हो गया है फिर ऊपर फिर बाहर निकाल देते हैं आपको हमें खत्म करें कुछ और यही चार वायर निकालने के बाद फील्ड कॉइल को ओरिजिनल फील्ड कॉइल में ऐसा ही रहता है, अलग अलग और भाग अलग ये भाग अलग, इसका यहाँ पे फील्ड कॉइल चल गया है। तो अब हम इस फील्ड कॉइल को चेंज करेंगे। ये नया फील्ड कॉइल ले लिया है, जो सेकेंड पार्ट आते हैं तो ऐसा असेंबल आता है ओरिजिनल का, ऐसा ही दो भाग में
हो जाता है, यहाँ पे चल रहा है पहले हम इसको चेक करेंगे। अच्छा है, ओके है, या ग्राउंड वगैरह तो नहीं कर मिला। नया है इसके, दो है बड़े होते हैं, दो है छोटे होते हैं, छोटे वायर को कार्बन के सेट लेना, छोटा वायर कार्बन के दो फीट इसके पास आना है, ये छोटा वायर ये कार्बन के थोड़ा सा मारेंगे तो भी चल जाएगा। तो जो ये दो फ्लिप्स है कार्बन होल्डर के, जो यहाँ पे है एक और दो, इसमें से नीचे वाले फ्लिप में यहाँ पे जो सबसे पास वाला वायर है इसको लगाएंगे। और वायर को अच्छी तरीके से उसके लॉक में डालना बहुत जरूरी है, वरना वायर शॉर्ट होने का प्रॉब्लम हो सकता है। ये हो गया पहला वायर कार्बन वायर का, और ये दूसरा वायर, दूसरा वायर को भी सेम नीचे करते हैं। एक ये दो क्लिप में से कोई भी एक क्लिप, कोई भी क्लिप चल जाएगा। बड़ा चाहिए दूसरा इसको भी ऐसे होल्डर्स में फंसा के, कोई भी क्लिप में चल जाए, कोई भी क्लिप में आपको इसको स्टॉप कर
और रबर को बैठना इसका कभी भी ये होल की साइड मतलब फेस इसका फेस ये होल जरूरी है ये कंपनी फिटिंग हो जाए लास्ट में डाल दीजिए